अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करिए। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, अपना एग्जाम चूज करिए और उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर करने के बाद आपको रेफरल कोड की जगह डिस्काउंट कोड एंटर करना है PMYT। ये डिस्काउंट कोड एंटर करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और ये डिस्काउंट कोड पूरे अनअकैडमी पर वैलिड है, भले ही आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक, सीडीएस, एनडीए, स्टेट पीएससी, यूजीसी, आईआईटी, नीट किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, PMYT ये डिस्काउंट कोड लगाइए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक गाइस। आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 2 का जो आपका रिजल्ट है लेवल 2 और लेवल 5 का, वो आरआरबी ने अनाउंस कर दिया है। ऑलमोस्ट सारे ही जोन की यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स रिलीज कर दिए गए हैं, साथ में लिस्ट भी यहाँ पे रिलीज कर दी गई है। अभी यहाँ पे आरआरबी अलावा चंडीगढ़ और एक दो जोन और रह गए हैं, बाकी जितने भी जोन है ज्यादातर सबकी यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स रिलीज कर दिए गए हैं। इवन आपकी टाइपिंग टेस्ट की डेट भी अनाउंस कर दी है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे की क्या कट ऑफ रह रही है, डिफरेंस क्या रह रहा है लेवल 5 और लेवल 2 की कट ऑफ में, और क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंट मैसेजेस भी दिए गए हैं इस पीडीएफ के साथ। तो सबसे पहले तो गाइस यहाँ पे आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो चुका है, इसमें ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियरली कही गई है। लेवल 5 और आपका लेवल 2 का, जो लेवल 3 का रिजल्ट है, जैसे कि लेवल 4 का रिजल्ट आपका नहीं आया, लेवल 3 का भी रिजल्ट आपका जब फाइनल रिजल्ट आएगा तभी आएगा, क्योंकि इनके लिए यहाँ पे कोई भी टाइपिंग और सीबीएटी टेस्ट नहीं है। इसलिए लेवल 2 और लेवल 5 का आया है क्योंकि इनके लिए टाइपिंग टेस्ट है, तो 8 टाइम कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। और जो भी कैंडिडेट्स लेवल 3 का लेवल 3 के लिए बैठे होंगे उनका जो रिजल्ट है वो 1 टाइम ही निकाला जाएगा, जितनी वैकेंसीज है। तो वो रिजल्ट तब आएगा जब इनका टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा और इनका फाइनल रिजल्ट आएगा, तब इनके साथ वो लेवल 3 का आपका रिजल्ट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। गाइज यहाँ पे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहले वो देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप लोगों को एक चांस दिया जाएगा कि आप अपनी टाइपिंग लैंग्वेज चूज कर सकते हैं आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के। अगर आप एक गिवन टाइम के अंदर अपनी टाइपिंग लैंग्वेज नहीं चूज करते हैं तो फिर आपकी डिफॉल्ट टाइपिंग लैंग्वेज इंग्लिश होगी, फिर आपको इंग्लिश में ही टाइप करना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट लिस्टिंग पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, और उन लोगों के लिए भी यहाँ पे उनको जो अपना सर्टिफिकेट वगैरह है वो यहाँ पे अपलोड करना होगा आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज कही गई है। देखिएगा इस 6 पॉइंट के अंदर ये क्लियरली लिखा हुआ है कि 12 तारीख को और उसके बाद लिखा हुआ है 12 अगस्त एंड ऑनवर्ड्स आपके यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट शेड्यूल किए जाएंगे। तो 12 तारीख से लेके आगे तक जैसे भी आरआरबी वाइज होंगे तो आपके यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट शेड्यूल किए जाएंगे उन्हीं कैंडिडेट्स के, जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए हैं लेवल 2 और लेवल 5 का सीबीटी 2 एग्जाम। आगे देख लेते हैं गाइस, यहाँ पे मैंने आरआरबी अजमेर की कट ऑफ ली है क्योंकि काफी सारे जोन की कट ऑफ है एक साथ, तो यहाँ पे सबके कट ऑफ लेना थोड़ा मुश्किल रहेगा अभी। तो गाइस यहाँ पे अजमेर जोन की लेवल 2 की कट ऑफ आप देख सकते हैं 78 कट ऑफ गई है यूआर कैटेगरी की, एससी कैटेगरी की 64 गई है, एसटी कैटेगरी की 64.33 गई है, ज्यादा डिफरेंस ही नहीं है, 0.33 मार्क्स का डिफरेंस है। ओबीसी कैटेगरी की 74.33 गई है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 70 गई है। गाइस यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात है कट ऑफ के अंदर की कट ऑफ आप बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन से लेवल की कौन सी कैटेगरी की कट ऑफ ज्यादा जाएगी कम जाएगी, क्योंकि कई जगह ऐसा देखने के मिला है कि लेवल 5 की जो आपकी कट ऑफ है वो हाई गई है और लेवल 2 की कट ऑफ कम गई है। वहीं कई जगह देखने के लिए मिला है लेवल 2 की कट ऑफ ज्यादा गई है और लेवल 5 की कम गई है। अगर हम कोलकाता की बात करें तो जो दोनों की कट ऑफ है उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पे बिलासपुर की आप देख लीजिएगा, बिलासपुर की जो कट ऑफ गई है लेवल 5 की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे 74 गई है यूआर कैटेगरी की, और वही बात कर ले अगर हम लोग इसको लेवल 2 की तो 81 के अराउंड यहाँ पे कट ऑफ गई है बिलासपुर की। तो ये चीज नहीं दिखाई जा सकती कि लेवल 5 की कट ऑफ ज्यादा जा रही है या लेवल 2 की, वो डिपेंड करा है कि कितनी वैकेंसी है उस पर्टिकुलर जोन के अंदर और कितने कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है, क्या लेवल था एग्जामिनेशन का, कितने कैंडिडेट्स है कौन सी कैटेगरी से वहाँ पे एग्जाम दिया है। तो ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स है जो की कट ऑफ को डिसाइड करे, और आप देख सकते हैं कि हर जोन में आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। आप यहाँ पे देखिए एससी और एसटी कैटेगरी की कट ऑफ के अंदर कितना ज्यादा डिफरेंस है और यहाँ पे सिर्फ 0.33 का डिफरेंस है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर कर रही हैं। अब यहाँ पे आप देख लीजिए ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ कम गई है, ईडब्ल्यूएस की ज्यादा गई है, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की कम गई है, ओबीसी कैटेगरी की ज्यादा गई है। तो ये चीज बिल्कुल डिफरेंटली आप देखने को मिल रही है, और काफी सारे जोन ऐसे हैं जहाँ की जो कट ऑफ थी पहले कम गई थी और उनकी कट ऑफ बहुत ज्यादा यहाँ पे चली गई है। बैंगलोर जोन की कट ऑफ भी काफी ज्यादा गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोलकाता जोन की कट ऑफ एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कट ऑफ काफी ज्यादा जाएगी 80+ जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो कट ऑफ गई है वो 77 गई है यूआर कैटेगरी की लेवल 5 की, और जो लेवल आपकी 2 की कट ऑफ है वो भी ज्यादा नहीं है, आई थिंक 70 की लाइन में ही यहाँ पे आपकी कट ऑफ गई है, अराउंड 78 और 79 कट ऑफ ही आपको यहाँ पे देखने के लिए गई है। तो गाइज ये चीज यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कही जा सकती कि वो जोन टफ है वहाँ पे कट ऑफ ज्यादा ही जाएगी। आप अजमेर जोन की कट ऑफ भी देख सकते हैं, अजमेर जोन से भी कट ऑफ ज्यादा जाती है, 78 कट ऑफ गई है। वैसे तो ये कट ऑफ ज्यादा है लेकिन एज कम्पेयर टू अदर जोन, क्योंकि वहाँ पे 80+ कट ऑफ भी गई है, 86 कट ऑफ तक देखने के लिए मिली है यहाँ पे सिकंदराबाद जोन की गाइज। तो इसीलिए ये चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कट ऑफ है वो डिसाइड नहीं कर पा रही, मतलब बिल्कुल भी ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कट ऑफ के ये जोन हाई है तो यहाँ पे कट ऑफ ज्यादा जाएगी, वो पेपर के लेवल के ऊपर भी डिपेंड करेगा।
आगे देख लेते हैं गाइस, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं कि काफी सारे कैंडिडेट लिस्ट में अपना नाम चेक कर रहे होंगे, लेकिन उन्हें लेवल 5 में अपना नाम देखने के लिए मिल रहा होगा, जबकि लेवल 2 की उन्होंने कट ऑफ क्लियर की है, लेकिन उसमें नाम आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा होगा। तो गाइज ये चीज यहाँ पे क्लियरली रेलवे ने मेंशन की है कि अगर आप लोगों ने लेवल 2 और लेवल 5 दोनों ही लेवल क्लियर किए हैं तो आपका लेवल 5 में लिस्ट में नाम दे दिया है, लेवल 2 में वो रिडंडेंसी की वजह से नहीं दिया है कि बार बार जो रहा रिपीट हो रहा है नाम, इसीलिए उसको नहीं दिया है लेवल 2 की लिस्ट के अंदर, लेकिन आप क्वालिफाई हैं। ये चीज क्लियर कैसे होगी, क्योंकि कुछ कैंडिडेट सिर्फ लेवल 5 के लिए क्वालिफाई किए हैं, लेवल 2 के लिए नहीं किए हैं, तो वो चीज क्लियर कैसे होगी? तो आपके स्कोर कार्ड से वो चीज क्लियर होगी। स्कोर कार्ड में क्लियरली लिखा होगा कौन से लेवल के लिए आपने ये क्लियर किया है। तो स्कोर कार्ड आपके कब आएंगे, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ समय बाद आपको वेबसाइट के ऊपर अपने स्कोर कार्ड चेक करने का लिंक मिल जाएगा। एक बार सारे जोन की जो कट ऑफ है वो रिलीज हो जाए, आ जाए, सारे रिजल्ट आ जाए, उसके बाद आपके लिए लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली आज रात को जो लिंक है आपका वो एक्टिव हो जाएगा, या फिर कल सुबह आपका लिंक एक्टिव हो जाएगा, फिर आप अपना स्कोर कार्ड चेक कर पाएंगे, जिसमें क्लियरली ये चीज मेंशन होगी कि आपने कौन से लेवल के लिए अपना एग्जाम क्लियर किया है। बाकी आप चाहें तो लेवल 5 और लेवल 2 की लिस्ट में एक बार अपना नाम चेक कर लीजिए। अगर आपका एक ही लेवल के लिए आ रहा है कि आपको दिख रहा है कि सिर्फ एक ही लिस्ट में है, तो बिल्कुल भी ये बात सोचिए कि मैंने दूसरा लेवल नहीं क्लियर किया है। हो सकता है अगर आपको दिख रहा है कि कट ऑफ से मार्क्स आपके ज्यादा है, आपका रॉ स्कोर ज्यादा है, तो आपने क्लियर किया होगा, वो चीज आपको आपके स्कोर कार्ड से पता चल जाएगी। तो यही सारी चीजें हैं। अब आपके पास जिन भी कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया है उनको 12 तारीख का इंतजार है, मतलब अब 12 तारीख के लिए आप लग जाइए। 12 अगस्त के बाद से, मतलब 12 अगस्त से आपके जो टाइपिंग टेस्ट है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका 12 अगस्त और उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट शेड्यूल किया जाएगा। कम टाइम है आपके लिए और आपको यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करनी है टाइपिंग के लिए। तो साथ ही दोस्तों, आप लोगों के लिए मेरे पास आप लोग सभी लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, वो ये है कि अनअकैडमी आप सभी के लिए यहाँ पे एक ऑफर लेके आया हुआ है, अनलॉक 20, जो कि एसएससी एग्जाम्स, नॉन टेक और रेलवे एग्जाम कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है। अगर अभी आप लोग सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं अपना, तो आप PMYT कोड लगा करके 20% इंस्टेंट ऑफ पा सकते हैं, इंस्टेंट आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा, PMYT कोड लगाने से ही आप इस ऑफर का फायदा उठा पाएंगे, और ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर है, ये कभी भी खत्म हो सकता है। तो ये इंतजार मत कीजिए कि अभी तो चल रहा है ऑफर, आपको अगर सब्सक्रिप्शन लेना है अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट तरीके से करने के लिए PMYT कोड लगा करके आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। साथ ही गाइस, PMYT कोड जितनी भी कैटेगरीज अनअकैडमी आपके ऊपर उन सभी के लिए वैलिड है, वेदर इट इज UPSC, SSC, बैंक, रेलवे, CDS, FCAT, CAPF, स्टेट PSC, UGC नेट, IIT, JEE नीट। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन आप लोग बेस्ट तरीके से अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग PMYT कोड का यूज कर सकते हैं। गाइस, PMYT कोड जितनी भी कैटेगरीज अनअकैडमी आपके ऊपर उन सभी के लिए वैलिड है, वेदर इट इज UPSC, SSC, बैंक, रेलवे, CDS, FCAT, तो आप लोग PMYT कोड लगा करके बेस्ट तरीके से अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। चलेगा, इसमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।